चलो सेमेस्टर 2017। ये जो 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे चतुर्थ प्रश्न पत्र जो गणित में आता है, ये जो 25 नंबर का आया है, तो उसको जो है हम सिंगल वाइज हल कर रहे हैं। आप लोग मेरे साथ लिखते भी चलिए और जो समझ में आए तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें चार तरह के क्वेश्चन आते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, एक अति लघु उत्तरी प्रश्न आता है, एक लघु उत्तरी प्रश्न आता है। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यदि 16 संबंधी आर समानुपात आर संबंधी एक्स हो तो एक्स का मान बताओ। क्वेश्चन दिया है कि यदि 16 संबंधी आर समानुपात आर संबंधी एक्स हो तो एक्स का मान बताइए। क्लियर है? इसमें ऑप्शन दे रहा है पहला 16, दूसरा दे रहा है 8, तीसरा दे रहा है 4 और चौथा दे रहा है 2। ठीक है, तो आप अनुपात का मतलब क्या आता है कि किसी भी हिस्से को बराबर बराबर कम करके किसी अनुपात में बांटे हैं, यानी कितने अनुपात से हम 16 संबंधी 8 को बांटे हैं, तो ये वाले हमारा हिस्सा जो आया किसी अनुपात के 16 संबंधी 8 है तो 16 बटे 8 लिख लीजिए, समानुपात है तो बराबर कर लीजिए 8 बटे एक्स कर लीजिए, हल है। ठीक है, तो आप ये गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये गुणा तो ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 8 × 8। जब क्वेश्चन बड़े होने लगे तो आप पूरा मत करिएगा, छोटे छोटे खंड करके काट लेते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा x = 8 × 8 / 16। आगे कभी यहाँ काट लगे 16 × 2 = 8 × x = 4 है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो तीसरा सही है। क्वेश्चन अगर दिए अनुपात का और समानुपात का, तो अनुपात का मतलब होता है उसका विभाजन और समानुपात का मतलब होता है उसके बराबर। ठीक है, ये वाले इसके बराबर हो जाएंगे, ये वाले यानी ये जो अनुपात होगा इस अनुपात के बराबर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन स्टेप्स लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। समझ लीजिए कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है। तो एक वृत्त हम लेते हैं, ये हमारा वृत्त है और वृत्त की ये जो होती है जैसे दो बिंदु लेते हैं ये और ये, तो इसकी ये जो जीवा होती है और ये इसका चाप होता है, तो जीवा और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। अगर छोटा हुआ तो लघु वृत्त खंड, बड़ा हुआ तो दीर्घ वृत्त खंड। बस ये वाले जो कहते हैं जीवा और ये वाले बताते हैं चाप, तो ये जो क्षेत्र होगा इसी क्षेत्र को हम वृत्त खंड कहते हैं, अर्थात वृत्त को विभाजन।
विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई एक्स, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आई एक्स वाई प्लस फोर एक्स जेड प्लस आई एक्स क्यू का एक घनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि सब में मिले, ऐसी संख्या हो जो सब में मिले। तो सब में क्या मिला है, एक्स मिला था, एक्स मिला था और एक्स मिला था। अगर फाइव की बात करें तो यहाँ दो है या फाइव है, तीनों में समान नहीं मिला है, या वाई है या जेड है या टू है, समान नहीं मिला है। समान नहीं मिला वो एक्स एक्स मिला है, इसका मतलब एक्स जो होगा वो फाइव वाई प्लस फोर जेड प्लस फाइव क्यू का उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर यानी गुणन खंड है, कौन एक्स, ठीक है ना। एक्स जो है इसका ये उभयनिष्ठ गुणन खंड है। अगला है किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं, आठ होते हैं, आठ होते हैं, किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, आठ होते हैं। घनाभ की बात करेंगे, देखिए घन और घनाभ में अंतर क्या है, घनाभ बात जब करते हैं तो ये हम जैसे फिगर बना दें, ये वाले पोर्शन ये और ये, इसलिए घनाभ के शीर्ष कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, एक दो तीन चार शीर्ष होते हैं। फिर इसके साइड वाले शीर्ष एक दो चार दो छह, इसके कितने हो गए दो, कितने हो गए आठ। नीचे वाला हिस्सा कितने जुट गया है, इसलिए इसके जो शीर्ष होते हैं वह शीर्ष घनाभ के शीर्ष कितने होंगे, आठ। बस समझा रही है, अगर इसे पूछे कोरों की संख्या कितनी होगी तब क्या बताएंगे, कोर की संख्या, ये कोर हमारा, ये कोर, ये 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 और ये कितने हो जाएंगे, कोर की संख्या बारह हो जाते हैं। इसलिए कोर की संख्या जो होती है, कोरों की संख्या वह हो जाती है बारह, ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन है, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि परिमेय संख्या कोई परिमेय संख्या लेते हैं तीन बटे पांच, परिमेय संख्या तीन बटन पांच से बड़ी परिमेय संख्या है, कौन है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर दिया है चार बटे दस, एक दिया है माइनस चार बटे दस, एक दिया है छह बटे दस, पांच बटे दस और एक गिरा सात बटे दस। बस समझ आया, अब यहां पर देखिए ये तीन बटा पांच है, समझ में आया है तो ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा माइंड को खिलाइएगा। ये कुल तीन रोटी है, तीन रोटी का पांच हिस्सा करेंगे, लाइन लाइन समझ, तीन रोटी का एक दो तीन, तीन रोटी का पांच हिस्सा करेंगे तो अब देखते हैं जो ये हिस्सा बन रहा है, जो हिस्सा बनेगा क्या इन सब के हिस्से से ये हिस्सा छोटा होगा। बस समझ नहीं कहते हैं, इसमें देखिए ये चार बटे दस को काटेंगे तो ये जाएगा दो बटे पांच, तो
थोड़ा लाजिक से कि जब हम तीन का पांच हिस्सा किए थे और दो का पांच हिस्सा करेंगे तो क्या इसकी जो हिस्सा होगी इसके हिस्सा से छोटा होगा बड़ा छोटा होगा इसका इससे छोटा क्योंकि दो रोटी का पांच हिस्सा कर रहा है या तीन रोटी का पांच हिस्सा कर रहा है तो इसका जो हिस्सा होगा इसके हिस्सा से बड़ा हो जाए इसका मतलब ये बड़ी संख्या नहीं है छोटी संख्या बस समझ रहे हैं और ये तो निगेटिव है इसके तो आगे खत्म है ठीक है अच्छा ये पांच बटे दस है इसको काटेंगे तो एक बटा दस एक बटा दो आ जाएगा जब एक बटा दो आएगा तो एक एक रोटी का दो हिस्सा कर थोड़ा देख दिखाइए एक रोटी का दो हिस्सा कर रहे हैं और ये तीन रोटी का पांच हिस्सा कर रहे हैं देखिए ध्यान से तीन रोटी का पांच हिस्सा कर रहे हैं और एक रोटी का दो हिस्सा कर रहे हैं तो इसका हिस्सा इसके हिस्सा से बड़ा और छोटा छोटा होगा ये वाला हिस्सा छोटा होगा एक रोटी क्यों एक रोटी का दो हिस्सा कर रहे हैं तो आधी आधी रोटी आ रही है और इसमें तीन रोटी का पांच हिस्सा कर रहे हैं अगर आधी आधी करते तो तीन रोटी का कितना हिस्सा होता छह हिस्सा छह हिस्सा लेकिन ये आधा से बड़ा आधे हिस्सा से बड़ा हिस्सा है ये सिर्फ आधा कर रहा है और ये आधा से बड़ा क्योंकि तीन रोटी का पांच हिस्सा करते तो आधा नहीं होगा आधा करते तो छह हिस्सा पांच हिस्सा करना है जब पांच हिस्सा करना है तो इसका मतलब इस हिस्से से ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा ये हिस्सा बड़ा है ये छोटा बचा कौन है यही है सात के दस इसको मार के बैठे सच वैसे भी कर सकते हैं उसका अगर इसका जैसे कि हर बराबर कर ले सबका उसका भी हाँ एक बात और कर सकते हैं चाहे तो इसका 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 लेकर के एलसीएम तो भी चेक कर सकते हैं उतना काम हम खाया जो नहीं है ना समझाए कि पाँच से तीन में भाग दे रहा पाँच से तीन में भाग दे रहा एक से तीन में भाग दे रहा दस में सात से भाग दे रहा जो बड़ी भाग आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा क्लियर है अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के तीन लघु उत्तरी प्रश्न पांच क्वेश्चन थे पांच क्वेश्चन बराबर भी हम अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए लाभ टेन वन का मान कितना होता है ठीक है ना जब बेस 10 हो जब बेस 10 हो तो जब मान यहाँ पे तो इसका मान कितना होता है जीरो हो जाता है देखो कैसे कि अगर हम इसको लिखते हैं इस वाले को हम लिख सकते हैं लाग 10 है 10 और 10 के पावर जीरो कर सकते हैं एन और एन की पावर जीरो कर सकते हैं ये तो एन बेस है और ये हमारा वैल्यू है तो 10 की पावर है जीरो कर तो इसका मान बन जाता है वन तो जो पावर होते हैं वही उसका आंसर होते हैं जो पावर होगा वही इसका सोल्यूशन किसी भी संख्या का अगर घात जीरो हो तो उसका मान एक चाहे जितनी भी संख्या है जैसे लेकिन जीरो की पावर जीरो करेंगे तो इसका मान इनकैलकुलेट होता है इनकैलकुलेट होते हैं जिसको दर्शाते हैं अगर किसी चीज के अलावा छोड़ कर जैसे एक की पावर जीरो तो इसका मान वन होगा एक की पावर जीरो तो इसका मान वन होगा एक लाख हो तो भी पावर इसका जीरो तो इसका मान वन होगा यानी किसी की पावर अगर जीरो सिवाय जीरो को छोड़ा तो उसका मान वन के बराबर होता है तो ये हमारा कितना आंसर जीरो आएगा अब आते हैं लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है लाभांश शेयर किस मूल्य पे दिया जाता है तो लाभांश शेयर हम करते हैं और जो उसका मूल्य मिलता है वो उसके किस 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 पे होता है खरीदारी पे जैसा हम शेयर खरीदेंगे उसके अनुसार उसका लाभांश मिलेगा तो हम हमको जो है खरीद मूल्य पर दिया जाता है बस हमें लाभांश शेयर खरीद मूल्य पर दिया जाता है अब आते हैं अगला क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन है नहीं आठवां क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है यदि समुच्चय ए बराबर दो तीन पांच सात नौ ग्यारह और तेरह दिया है और
मीटर सेक्शन बी 5 × 13 क्लियर हुआ। अब आते हैं ये था आठवां क्वेश्चन के आते हैं नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए लिख रही हो इसको अच्छा लिखते हो। अब आते हैं नाइन्थ वाला क्वेश्चन 9a² - 24a + 18a³ को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए। 3a से भाग देना है, 3a से भाग देना है 3a क्लियर ना। यहां पे देखो पहले तो हम काम करेंगे कि पहले बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी बड़ी संख्या वाली ये है, फिर इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये, तो इसको क्रम से पहले लिख देंगे। क्या करेंगे क्रम से पहले लिखेंगे हम लिखेंगे 18a³ + 9a²-24a ठीक है ना। फिर इसको 3a से भाग देंगे तो 3a से भाग देकर देखो कितना से भाग दे सकते। अब देखो भाग देने का मतलब ये होता है कि हम पढ़े हैं थोड़ा ध्यान समझो, पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ठीक है। ये नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि यदि किसी संख्या में a से भाग देते हैं, किसी संख्या में b से भाग देते हैं, a में किसी संख्या b से भाग देते हैं तो भाग कुछ जाएगा, भाग कुछ होगा। यस मान लेते हैं कि कितनी बार गया p बार गया है, मान नहीं कितना होगा b से गुणा, लेकिन घटाने पर इसका शेषफल आ रहा है तो इसका इसकी गुणनफल यानी a बराबर होता है be + ra बराबर होता है। ये जो होता है ये b से a में भाग गया है तो यहाँ b क्या होता है b हमारा भाजक होता है, भाजक होता है, ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा शेषफल होता है, ये हमारा संयोग a, ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है। तो इसी बेस पे हम चलेंगे कितना से हम इसमें पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहा है इसलिए क्या कर रहा है पूरा कर रहा है तो कितना से हम पूरा करें मात्र चलते बेटा तो है तो हम इतना कितना ही कर सकते हैं। अब यहां से देखिए 3a से हम भाग देंगे तो भाग देंगे तो क्या है कि हम इसमें कितना से पूरा करें कि कितना आ जाए 6a तो 6a² से करेंगे 6a² से गुणा करेंगे तो देखो 6 × 18a² से गुणा करेंगे तो 1 पावर 3 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ये यस सर 3 बचा क्या +9a² अब यहां से देखिए फिर प्लस करेंगे ठीक है ना। अब यहां से कितना से गुणा करें कि 9 आए तो ये देखिए 9 से 3 से गुणा करेंगे a स्क्वायर से तो a से गुणा करेंगे या 3a हो जाएगा इसमें क्या जाएगा 3a तो 3 तरीके 9a² ये भी बाहर कर दीजिए तो बचा क्या -24a करेंगे ठीक है ना। तो माइनस से गुणा करेंगे माइनस से माइनस से करते हैं ठीक है ना। तो हमारा क्या रहेगा 24 को चाहिए तो 8 तरीके 24 तो माइनस 8 कर देंगे तो 8 तरीके 24a और ये घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस प्लस माइनस हो जाएगा 0 यानी शेषफल क्या बचा कि 0 बचा। इसका मतलब इसका जो भागफल आएगा भागफल कितना आएगा 6a² + 9a - 3a - 8 आएगा ये हुआ। अब अगला क्वेश्चन के आते हैं 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट
एक, तो दो घंटा का मतलब कितना मिनट होगा, 120 मिनट, 120 मिनट, और 15 मिनट और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 135 मिनट। क्लियर हुआ, यानी दो घंटा 15 मिनट बराबर हो जाएगा 120 प्लस 15 बराबर 135 मिनट। अब अनुपात किसका कह रहा है, 45 मिनट का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको 135 बटे 45 कर दीजिए और 5 से पहले काटिए, तो 5 गुना के 10, 5 सते 35, यह कितना, 9 के 9 और 9 27, तो यानी 3 समते 1। क्लियर हुआ, यानी 3 समते 1 का अनुपात होगा। क्लियर हुआ, अब यहां से आते हैं, इस टाइप से हम क्वेश्चन बताए थे बेटा, दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, दिए गए चित्र में वो जो है वृत्त का केंद्र है, यदि कोण, यदि कोण आएगा 40 और प्लस कोण
जोड़ने के बाद आए 180 अंश, तो कोण सी ओ बी यानी इस कोण का जो माप होगा वो 4 गुना के 80 में से 180 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 100। यहां से लिख देते हैं x / 180 - 80 के इक्वल टू हो जाएगा 100। क्लियर है? तो आया कोण ये हमारा 100। तो फिर हम चलते हैं, तब क्या होता है कि यदि एक ही जीवा से दो त्रिभुज खींचे जाए, यदि एक त्रिभुज का शीर्ष उसके परिधि पर तथा एक त्रिभुज का शीर्ष उसके केंद्र पर मिले, तो ये जो केंद्र से जो बना हुआ इसके शीर्ष की ओर से दुगुना होता है, यानी इसके जो कोण बनता है इसके शीर्ष जो बनता है इससे ये दुगुना होता है। इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा। तब कोण यानी कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा दुगुना एंगल बी ए सी सी। क्लियर है? तो आएगा आगे चलते हैं। ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अति खत्म हुआ, अब लघु चालू हुआ। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न पे। क्वेश्चन दे रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन दे रहा है 12 नंबर क्वेश्चन है कि अगर 2 की पावर 5 हो इंटू 16 की पावर -2 - 2 की पावर -3 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है मास्टर, -1/2 की पावर 3। ठीक है ना? देखो
से है तो नीचे ना प्लस हो जाता है, ये भी माइनस से नीचे प्लस, लेकिन पावर वही रहेगा, ठीक है। तो ठीक रहेगा कि जो निगेटिव पॉजिटिव होते हैं वो अंतर रहता है। तो इस वाले को लिख सकते हैं 32 × 1 = 16 × 16 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकते हैं यार। तो 16 × 32 और 2 से 2 = 16 तो आएगा 1/8 × 1/8 और 1 + 1 - 1 दोनों में से 1 है, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन दे रहा है कि एक फीट की लंबाई एल बराबर दे रहा है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। देखिए एक ईंट है जिसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, एक 5 मीटर लंबी लेंथ इसका कितना है 5 मीटर, 5 मीटर लंबी 3.5 मीटर 3.5 मीटर चौड़ी तथा 33 सेंटीमीटर मोटी या ऊंचाई सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी। सवाल को समझ लीजिएगा, कह रहा है एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। यदि एक दीवार है जिस दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई जो है, यानी मोटाई जिसको बोलेंगे, मोटाई 33 सेंटीमीटर की है, तो बताइए कि इस दीवार को बनाने में कितने ईंट की जरूरत होगी। तो पहले क्या करेंगे, इस ईंट का आयतन निकालते हैं। तो ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई हो जाएगा, क्लियर है। तो लंबाई कितनी दे रहा है 25 × 10 × 7.5, 1/10 है तो 10 को हटा दीजिए, 10 को खत्म कर दीजिए, तो 25 × 75 हो जाएगा। गुणा करेंगे 25 और 75 में तो आएगा 1875, 1875 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यह जो है ईंट का आयतन है, यह कितना ईंट मोटा लंबा चौड़ा आयतन। अब यहां से दे रहा है दीवार का, हम थोड़ा सा आयतन निकाल लेते हैं। दीवार का आयतन तो दीवार का आयतन वही लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई l बटे b बटे h, लेकिन इसमें था सेंटीमीटर, इसमें है मीटर, या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए। तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, आसान तरीका 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहां से इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 500 सेंटीमीटर गुणे 350 है, 3.5 मीटर का है, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 350 है। अरे 350 करेंगे इसको 5 है करेंगे तो कितना जाएगा 350 आ जाएगा। देखो 3.50 में 100 से घटा के कितना जाएगा 350 सेंटीमीटर आएगा, तो आ जाएगा 350
50 सेंटीमीटर। फिर ये तो 35 सेंटीमीटर का है, ये है 35 सेंटीमीटर, इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5775000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, इतना क्यूब आएगा। अब क्या करेंगे, पूछ रहा है कि दीवार में कितनी ईंट लगेगी, तो कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, दीवार का आयतन, आयतन बटे ईंटों का आयतन। तो दीवार का आयतन कितना है, 5775000 बटे में ये कितना है 1875। काटे टूटेंगे तो आएगा 3080 ईंट। तो ठीक है ना, 3080 ईंट आएंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन है कि रुपया 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रुपया 5000 का, रुपया 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। अब यहां से मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन तो क्या होता है, मूलधन 1+100 की सरल होता है, जब समय लिखा समय चाहिए। ठीक है ना, टी हो जाता है, देख क्या रहा है इसमें, पी इक्वल टू 5000 और आर रेट दे रहा है 10% और समय दे रहा है 3 वर्ष। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन a इक्वल टू p मतलब 5000, 1+ रेट कितना है 10/100, समय कितना है 3, तो इसको लिखेंगे 5000, इसको एक दिन से काम 10/11/10 का पावर p, तो आ जाएगा 5000 6655 आएगा, 6655 रुपये आएगा क्या, मिश्रधन आएगा। तो हमारा चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, मिश्रधन a माइनस p, a वाला 6655 माइनस 5000 घटा बना देंगे 1655 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी आपको 3 साल में
1655 रुपये मिलेगा या देना। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को करते हैं सब ब्याज पे ब्याज, जो बिजली की बिल होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर चलता है, ब्याज पर ही ब्याज काटा जाता है। समझ आया? सहकारिता बैंक जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज देता है, सहकारी बैंक जो कृषि कृषि वाले बैंक होते हैं वो ब्याज पे ब्याज देते हैं। मान लीजिए कि आप 1000 रुपया ले लिए, 1000 पर 10 रुपया ब्याज दिया, 110 रुपया अपने लगभग ब्याज लगेगा, ये देखिए अपने पूरे धन पे लगेगा। बस समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा उदाहरण है बिजली का बिल, ठीक है ना, बिजली वाले चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज काटते हैं और काट करके हम लाद देंगे कि भरते भरते खटिया करीब इस तरह। अब आगे बढ़ते हैं, 12y² क्या है, 12y² -y - 1 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, पेपर हाँ कीजिए, चले सब ये 2017 का, 2017 का पेपर था। इस पेपर में मैं 15 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंच गया हूं, बार दीजिए। तो अब यहां पर देखिए, यहां से 12y² - y - 1 है, क्लियर है? तो यहां से हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो देख लीजिए इसका फैक्टर हो रहा है, समझ आ रहा है इसका फैक्टर हो रहा है, तो ये वर्ग बना के गुणनखंड करना है, वर्ग बना के गुणनखंड करना है, ये दिया है लेकिन इसका गुणनखंड का आसानी से नहीं होता, समझ आ रहा है ना, क्योंकि इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12y² और कितना से गुणा करेंगे 12 आ जाए, तो 4 गुणा ही हो तो जाएगा, हो जाएगा कोई बात नहीं है, 4 × 3 = 12 और 4 की सिद्धि करना है कि 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लेकिन माइनस से नहीं, इसको हम 12 से माइनस में मान लेंगे तो इसको -12 है, ठीक है ना, तो हम यहां पे लिख लेंगे 12y² - 4y + 3y - 1 = 0, तो ये हमारा 4y कॉमन निकल जाएगा, तो मिलेगा 3y - 1 + 1 कॉमन लेंगे तो 3y - 1 = 0, 3y - 1 और 4y + 1 यही इसका गुणनखंड हो जाएगा, क्लियर है? अगर ऐसा नहीं देता तो आप पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करते हैं, इस बार भी वही बात आ जाएगी, जैसे भी अंदर में चाहो आप कर सकते, नहीं समझ में आए तो पूर्ण वर्ग बना के लगा लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सारणी को 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया है, उसके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन यह होता है, चलो कोई बात नहीं, यहां पे हम इसको संख्या होती है, अगर मैं वर्ग अंतराल में दे यानी उसमें दे बारंबारता को कितना कर सकते हैं, समेशन यम को समेशन यम एक्स अपॉन यम होता है, यानी कि समेशन यम होता है, समेशन यम होता है, ठीक है, तो बारंबारता इसके माध्यम से आपको लगा लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, कीजिए कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, अच्छा पूरा क्वेश्चन का उत्तर बनता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए
तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से ले लीजिए, एक चाप लगा के और ये इसको वो केंद्र मान करके आप एक चाप लगा के इसको घुमा दीजिए चारों तरफ पर, तो ये 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें जो होगा जिस बिंदु पर हम चाप लगाए हैं उसी बिंदु पर कोई रेखा को आरोपित कर लीजिए, उसको बिंदु P मान लीजिए। यह एक बिंदु है, इसी बिंदु को मान लीजिए P है, तो इसी बिंदु से एक बिंदु से होकर के जो जाएगी रेखा वह क्या हो जाएगी, उस वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के किन्हीं एक बिंदुओं से होकर के ही जाती है। बस समझाइए वृत्त के वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से होकर के जाती है। लिख लो उधर है वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से होकर के, वृत्त के किन्हीं एक बिंदु से होकर के जाती है, एक बिंदु से होकर जाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है, वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाती है। हो गया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से अलाहाबाद के बीच का अनुपात, देखो इसके और इसके लखनऊ से अलाहाबाद के बीच का जो अनुपात है वह 3:8 है, अनुपात में है। यदि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी, लखनऊ से अलाहाबाद के बीच की जो दूरी है वह 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? बस लखनऊ से कानपुर और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच के जो दूरी का अनुपात है वह 3:8 है, तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी जो है 200 मीटर है, पूछ रहा है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो बताइए जब अनुपात में हो तो कोई संख्या नहीं होगी जिसको काम करके 3/8 किया अनुपात बनाएगा, तो मान लेते हैं वह संख्या 1 से लेकर सब में गुणा करते हैं, तो माना यानी कि ना माना लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 3x है। बस समझ आए? तथा लखनऊ से इलाहाबाद की जो दूरी है वो 8x है, क्योंकि दिया है कि लखनऊ से कानपुर इलाहाबाद के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर, तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है और मान लें इसकी दूरी 8x है, इसका मतलब ये दूरी ये दूरी आपस में बराबर तो कहीं ना बात है, कहीं तो है, तो यहाँ से हम 8x बराबर लिखेंगे 200, तो x बराबर होगा 200/8, काटेंगे तो आगे का लिया और 8 बचे 40, इसका मतलब ये है कि 15/8 कितना हो गया 200, सही है। इसका मतलब कि हम जो इसकी जो दूरी लेते रहते हैं लखनऊ से कानपुर के बीच की जो दूरी वो 3x को ले रहे थे, तो x के बराबर कितना है 15 है, तो x के बराबर 15 को 15 दिया 45 आ जाएगा 45 किलोमीटर। बस समझ आया? यानी इसकी जो दूरी होगी वो 45 किलोमीटर होगी। अब यहीं से अपनी बात समाप्त करते हैं, क्वेश्चन समाप्त हुआ, कल फिर हम कोई नया पेपर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए और पेपर दीजिए।